अभिषेक आप ही के पास आऊंगी। शुभेंदु अधिकारी हमने देखा घर से बाहर निकल चुके हैं, भूमि पुत्र वर्सेस स्ट्रीट फाइटर, मतदान केंद्रों पर किस तरह की आज तैयारी नंदीग्राम में आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये सामने जो काफिला जा रहा है, सुवेंदु अधिकारी का काफिला है, चित्र एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे और हम एग्जैक्टली उनके काफिले के पीछे ही हैं। और जाने से पहले हमने बात की उनसे और जल्दी में थे, लेकिन एक सवाल का उन्होंने यही जवाब दिया, हमने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या है नंदीग्राम का जो मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है, तो उन किस मुद्दे पर आप लड़ने आ रहे हैं? उन्होंने कहा विकास मुद्दा है। देखिए ये बड़ी बात है, अभी तक लगातार यहाँ पर जो मुद्दे जो कहे जा रहे थे वो मुद्दे यही कहे जा रहे थे, तुष्टिकरण सबसे बड़ा मामला सुरेंद्र अधिकारी ने उठाया था और ममता बनर्जी भी उसकी काट में चंडी पाठ कर रही थी, मंदिरों का दर्शन कर रही थी, लेकिन आज कहा है कि विकास मुद्दा है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिलहाल अभी वो वोट डालने जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है और रात में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ शिकायतें आई हैं इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मुस्तैद की गई है। आज तो बाहरी लोगों की एंट्री पर भी बैन है, तस्वीरें हम दिखाते चलेंगे। अभिषेक आप फॉलो करते रहिएगा काफिले को शुभेंदु अधिकारी के, तब तक मैं विपिन के पास चलती हूँ जो कि डेबरा से इस वक्त मौजूद है। विपिन जरा बताइए डेबरा में किस तरीके की तैयारी आज की वोटिंग को लेकर की गई है, कैसे इंतजाम आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता? देखिए पूर्णिमा, जो बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होना है उसमें जिन 30 सीटों का जिक्र हो रहा है, उसमें 30 सीटों में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो डेवरा सीट है। यहां पर दो आईपीएस अधिकारी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट भारती घोष हैं, जो एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। भारती घोष 2019 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर घाटाल लोकसभा से लड़ चुके हैं, उन्हें शिकस्त मिली थी और उनके मुकाबले इस बार ममता बनर्जी ने डेबरा सीट पर अपने एक हुमायूं कबीर नाम के आईपीएस ऑफिसर, जो यहाँ चंदन नगर पड़ता है, वहाँ के कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस चरण की सबसे खास बात यह है कि इस चरण दूसरे चरण में जो 30 सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटों पर टीएमसी काबिज है। टीएमसी के सामने चुनौती है कि उन सभी सीटों पर काबिज रहना और बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि ममता बनर्जी को घुसपैठ करके उन सभी सीटों पर शिकस्त देना। लेकिन डेबरा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, दो आईपीएस अधिकारी आमने सामने हैं, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।